एक 24 इंच का सैमसंग का सेट है जिसका मॉडल नंबर है जो आपके सामने है, और ये इसमें मदरबोर्ड लगा है, इसमें काफ़ी मॉइस्चर है और ये गल चुका है, इसका सप्लाई का मॉइस्चर ख़राब हो गया था, काफ़ी मॉइस्चर था इसकी वजह से। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ा कि सप्लाई ही लगाना पड़ा, लेकिन इस पर यदि आप सप्लाई कोई भी लगाने जाओगे तो इस पर जो आउटपुट का वोल्टेज है वो 24 वोल्ट है, तो वो आसानी से बन नहीं पाता। ये देखिए यहाँ पर 24 वोल्ट लिखा है, तो मतलब ये किस सप्लाई है, इस SMP से आउट होगी 24 वोल्टेज। वो यदि आप कोई भी सप्लाई लगाना चाहोगे, चाहे वो 5 वायर वाला मॉड्यूल हो, STR मॉड्यूल, चाहे 5 वोल्ट 4 वोल्ट सप्लाई होती है, वो भी इस पर वर्क नहीं करती। पिक्चर पूरा भी आप खोल लोगे तभी भी 10 से 12 वोल्ट के आसपास ही बनता है, इससे ऊपर नहीं बनता। तो यदि आपको कोई इस तरह के मॉडल पर जहाँ पर 24 वोल्टेज आउट हो रहा हो सप्लाई लगाना हो, तो इसके लिए बेस्ट है सप्लाई। लेकिन इसको लगाने का तरीका जो बेस्ट रहेगा वो आपसे हम शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो वायर है, जो इसकी ब्लैक वायर है वो इसके फिल्टर के ग्राउंड पे, और जो रेड वायर है वो इसके जो हमारा मॉस्फेट है उसके पॉजिटिव वाला जो सेंटर वाला पिन है, जहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई आएगा वहाँ पर आपको लगाना है। और जो दो वायर है आपको जो पहले दे रखी है कंट्रोल करने के लिए, प्रेशर से सप्लाई कंट्रोल करते हैं, उसको काट देना है। आपको कैपलर पर जिस साइड इसको, इसका जो कैपलर का हिस्सा आउटसाइड में है उसको ही साइड से निकाल कर दो वायर को यहाँ पर लगा रहे हैं, जैसे मैंने लगाई है। इसका एक नंबर है और ये इसका दो नंबर है। इसके एक और दो नंबर को यहाँ पर, जैसे कैपलर का जो ऊपरी हिस्सा एक और दो नंबर जो आउटपुट में सप्लाई बनेगा, वहाँ से इसको कनेक्ट करना है, ताकि जितना सप्लाई सर्किट के हिसाब से इसको चाहिए उतने ये कैपलर बना के देगा, और प्रीसेट में इसका जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से एक और दो नंबर पे पिन के आपको कनेक्ट करनी है, और इस कैपलर के जो एक नंबर पिन है उसके पास ऐसे ही सेम उसको कनेक्ट करना है। एक पिन, एक नंबर यहाँ पर आ गया और इसके साथ वाले पर दो नंबर आ गया। तो किस तरह से कनेक्ट किया हमने आपको दिखा देते हैं। ये रहा कैपलर का आउटपुट का एक नंबर पिन, इसका कैपलर का एक नंबर पिन यहाँ पर आ गया, और ये दो नंबर पिन। इस तरह से आप लगाओगे तो आउटपुट में जितना भी सप्लाई इसको बोर्ड को चाहिए वो ऑटोमेटिक ले लेगा। मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, ना ही कोई एम्पेयर का प्रॉब्लम आएगा कि एम्पेयर ना ले सके, ज़्यादा एम्पेयर हो तो ये सप्लाई दब जाती है, ऐसा कुछ नहीं। 5 वोल्ट 4 वोल्ट जो सप्लाई है काफ़ी अच्छा एम्पेयर देखने को मिलता है, इसमें आपने टेस्ट किया होगा जैसे इस केस में है। यदि आप प्रीसेट के थ्रू बनाओगे तो सप्लाई आपका बन नहीं पाएगा, और इस तरह सप्लाई बिल्कुल अच्छे से बन गया है। मैं दिखा देता हूँ आपको, तो देखिए हमने पावर इसको दे दिया है, और जो 24 वोल्टेज हमारा बनेगा यहाँ पर वो आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल पूरा बनेगा, ऑटोमेटिक बनेगा। जैसे भी कोई भी जो बाद में मॉइस्चर आ जाता है प्रीसेट में, प्रीसेट वर्क करना बंद कर देता है तो आउटपुट में सप्लाई ये उड़ा देता है, काफ़ी कुछ नुकसान कर देता है, साउंड ऐसे भी उड़ जाता है। इस कंडीशन में ऐसा कोई भी फॉल्ट नहीं आने वाला, क्योंकि कंट्रोल के थ्रू दिए, ये ऑटोमेटिक जो सर्किट दिया है इसका बोर्ड का, उसके थ्रू ये सप्लाई कंट्रोल हुआ है, तो बढ़ने का तो कोई इसमें डाउट नहीं है, और जितना सप्लाई आपको आउटपुट में चाहिए उतना ये बनाकर देगा। देखिए यहाँ पर लाइट आ गई है, जैसे हम इसको ऑन करेंगे, ये देखिए सेट ऑन जो हो चुका है, और जो आउटपुट का वोल्टेज है बिल्कुल भी दबने वाला नहीं है। ये देखिए 24 वोल्टेज था, 24 भी अभी भी है। तो इस तरह से आप सप्लाई लगाओगे तो ये प्रॉपर काम करेगा, इस तरह मोटर पे काफ़ी अच्छा वर्क करता है, और इसमें कोई भी हीटिंग नहीं होती, चाहे आप काफ़ी टाइम तक भी इसको लगा के चेक करें, बाकी इसको आप छोटा मोटा हीटिंग दे देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो, इस तरह वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़िए, इस तरह वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।